दोस्तों, सो इस वीडियो में हम पहले डॉकर पीएस डैश ए करके सारे जितने भी हमारे पास कंटेनर्स हैं उन्हें हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको दिखाई देगा कि हमारे पास कई सारे कंटेनर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, राइट, जो हमने प्रीवियसली बनाए हैं। उसमें से एक अपना जो सर्वर वाला जो कंटेनर है वो केवल चल रहा है और बाकी सब एग्जिट होकर के पड़े हुए हैं। तो ये लैपटॉप का बैटरी डाउन करते हैं और बेसिकली लैपटॉप को स्लो डाउन कर लेते हैं। अगर आप इसे क्लाउड में चलाए रहोगे तो क्लाउड में आपका स्टोरेज और कंप्यूट का कॉस्ट बढ़ता रहता है, लेकिन डॉकर के पास इसे स्टॉप एंड रिमूव करने का फैसिलिटी है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ किस तरह से हम लोग कंटेनर को स्टॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, करेक्ट। तो उसके लिए पहले हम लोग कंटेनर की आईडी कॉपी कर लेते हैं एंड देन डॉकर स्टॉप एंड देन विल प्रोवाइड द आईडी ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसको स्टॉप करने में काफ़ी थोड़ा टाइम लग गया। बेसिकली हो क्या रहा है कि डॉकर उसके जो कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन जो चल रहा है उसको ग्रेसफुली पहले वो स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, और वो स्टॉप हो जाए उसके बाद ही वो उसको कंटेनर को टोटली वो पूरा का पूरा स्टॉप कर रहा है, राइट। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के पास अगर कुछ बड़ा एप्लीकेशन है तो वो 10 से 12 सेकेंड या 20 सेकेंड भी लगता है उसको स्टॉप करने के लिए। तो उस सिचुएशन पे अगर आपको डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर जो भी डाटा है वो गार्बेज है या फिर टेम्पररी है और आपको जस्ट उसको इमिडिएटली स्टॉप कर देना है, तो लकीली डॉकर के पास एक अलग से कमांड है जिसे हम रन करेंगे तो इमिडिएटली वो उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो वो कमांड बेसिकली हम रन करके देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि वो उसको फोर्सफुली स्टॉप करता है कंटेनर को, और उसके अंदर का एप्लीकेशन जो है वो अनएक्सपेक्टेडली क्लोज होता है और उसका डाटा लॉस होने का चांस होता है। तो उस केस में हम लिखते हैं डॉकर स्टॉप डैश टी, उसके बाद हम लिखते हैं 0 एंड देन कंटेनर की जो भी आईडी है, ठीक है। अभी देख सकते हो ये कितना फास्टली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे कंटेनर्स हैं जो स्टॉप हो गए हैं, राइट। बट अभी क्या होता है कि उन्हें हम लोग को फिर भी अगर रिमूव करना है तो एक एक करके अगर हम कमांड रन करेंगे तो प्रॉब्लम है, राइट। बट अगर हमें उसे अगर मासिवली जितने भी हैं उनको रिमूव करना है तो उसके लिए भी एक तरीका है करने का, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि डॉकर का जो rm कमांड है वो रन करना होगा। तो उससे क्या होगा कि अगर जो भी कंटेनर हमारे पास स्टॉप्ड हो गए हैं उनको हम लोग कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे, काइंड ऑफ डिलीट करने के जैसा। तो डॉकर rm देंगे एंड देन हम लोग को कंटेनर की आईडी देने से वो उस कंटेनर को वो रिमूव कर देगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये रहता है कि वो कंटेनर स्टॉप रहना चाहिए पहले से, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अगर आपको इसको काइंड ऑफ लूप में चलाना है, तो जैसे कि हम लोग को सारे कंटेनर्स जितने भी हमारे हैं उनकी आईडी हमें देखने हैं, और आईडी देखने के बाद हम लोग को लेट्स से उन सब कंटेनर को काइंड ऑफ फॉर लूप में चला के अगर स्टॉप करना है तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कंटेनर हमारे पास हैं। तो अगर आप लिस्ट मारोगे डॉकर पीएस डैश ए तो ये दिख रहे हैं इतने सारे आपको आईडी, राइट। एंड हम लोग को केवल आईडी ही चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, जो डैश ए है उसके बाद हम क्यू लिखेंगे। क्यू क्या करता है कि वो उसके सारे आईडी ही केवल प्रिंट करता है। तो डॉकर पीएस डैश ए एंड क्यू एक साथ लिखेंगे ना तो वो आईडी प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसी कमांड को हम पाइप कर देंगे, और पाइप करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें हम लोग एक्स ए आर जी एस करके एक होता है एक्स आर्ग्स, वो क्या करता है कि जो आईडीज हमें मिल रहे हैं ना उसको वो पाइप करके नेक्स्ट कमांड को फॉरवर्ड करता है। तो नेक्स्ट कमांड में हम लोग लिखेंगे कि, तो पाइप के बाद हम लिखेंगे डॉकर आर एम। तो अल्टीमेटली क्या होगा, डॉकर आर एम और वो कंटेनर की आईडी पास कर रहा होगा एक एक करके फॉर लूप में, इमेजिन करो। तो ये पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट है इसको अगर आप रन कर दोगे तो सारे जितने भी कंटेनर्स की आईडी हैं वो सब कंटेनर रिमूव्ड हो जाएंगे और उनकी आईडी सब प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ये सारे जो आइडियल कंटेनर थे वो सारे अभी हमने स्टॉप कर दिए और उनको हमने रिमूव भी कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या होता है कि कंटेनर तो रिमूव करना अच्छी बात है, लेकिन हम लोग कई बार क्या होता है कई सारे इमेजेस बना के रखे होते हैं, कई डॉकर के इमेज हम डाउनलोड भी करे होते हैं, ठीक है। तो उसको भी रिमूव करना एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये रहता है कि जो
इमेज है ना उसके अगेंस्ट में अगर कोई कंटेनर रनिंग हो रहा है तो वो आपको पहले स्टॉप करना होगा, उसके बाद ही आप उसका इमेज को निकाल सकते हो, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, बाकी मैं कमांड बता देता हूँ। इमेज निकालने का जो कमांड है उसको डिलीट करने का, वो है डॉकर RMI। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन आवर सर्वर जो था उसको हम लोग निकालना चाहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे डॉकर RMI एंड आवर सर्वर, जो भी सर्वर का अपना नाम है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा कि वो डॉकर नहीं भी रिमूव करेगा क्योंकि उसके अगेंस्ट में कंटेनर रन होगा, तो आप जा करके कंटेनर को पहले स्टॉप कर देना, उसके बाद दोबारा से इसको रन करना और ये चल जाएगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि आपके बहुत सारे इमेजेस होते हैं, तो उसके लिए हम लोग वही तरीका अपनाएंगे जैसे हमने पहले किया था, डॉकर PS माइनस AQ लिखा था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉकर इमेजेस माइनस AQ एंड देन पाइप और उसके बाद डॉकर RMI। तो उससे क्या होगा, वो सारे के सारे जितने भी इमेजेस हैं उनको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो लेकिन ध्यान देना कि अगर हम कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फोर्सफुली डिलीट करना चाहते हैं, स्टॉप भी नहीं करना है कंटेनर को, तो उसके लिए मतलब कभी कभी डॉकर RMI-F लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है वो उसको फोर्सफुली जाके स्टॉप कर देता है, लेकिन उसमें अगेन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आता है, वो कंटेनर जो रन हो रहा होता है वो अगर क्रैश हो जाता है तो उसका डाटा लॉस और भी कई सारे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं, तो उसके प्रति आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप कोई कंटेनर रन कर रहे हो तो कंटेनर जो रन होता है ना वो बेसिकली एक अलग पोर्ट में रन हो रहा होता है। ठीक है, और वो उस पोर्ट को अगर आप डायरेक्टली अपने ब्राउज़र में डालोगे ना तो वो नहीं चलता है। ठीक है, तो आपका ब्राउज़र जो आपका लैपटॉप में जो पोर्ट्स हैं उस पोर्ट को आपको बाइंड करना पड़ता है कंटेनर के पोर्ट से, तब जाके वो कंटेनर का आप जो वेबसाइट है जो कंटेनर में आपने होस्ट किया है वो दिखेगा आपको। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट एपिसोड बताऊँगा, और अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।